हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी वेलकम टू दी कंप्लीट कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर टू ऑफ डेली सल्तनत इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लेव डायनेस्टी ये चैप्टर टू का पार्ट टू है जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ यू गेव मी योर विशेज वेन आई वॉज नॉट वेल जब मैं ठीक नहीं था आप सभी ने अपनी दुआएं मुझे भेजीं और आज मैं और मेरा परिवार सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट डेट एवरीबडी इन आर कंट्री गेट्स ओवर दिस बैड टाइम एंड वी गेट रीड ऑफ द कोविड नाइन्टीन कंप्लीटली इन इंडिया एंटायर वर्ल्ड हम उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव और जो भी काम चल रहे हैं उन सब से ये कोविड नाइन्टीन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए और पूरी की पूरी लाइफ वापस नॉर्मल में आ जाए कितने ही गरीब लोग हैं जो बेचारे रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं और लॉकडाउन में वो नहीं कमा पा रहे कितने लोग बीमार हो गए उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बहुत लोग परेशान हैं तो लेट्स प्रे फॉर ऑल ऑफ देम कि सब अच्छा हो जाए सब लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए सो दिस इज अबाउट मी माय नेम इज़ अभिजीत सिंह अरोरा आप पढ़ सकते हैं मेरे बारे में अगर आपने इस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के पुराने वीडियोस देखे हैं तो ये इसमें मैं अपने बारे में पहले ही बता चुका हूँ सो दिस इज़ अबाउट मी इफ़ यू गाइज है प्रीवियस वीडियोज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मी सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर इन दी प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द डेली सल्तनत वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ओवरऑल अ समरी ऑफ द एंटायर डेली सल्तनत पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की देखी थी एक समरी सार समझने की कोशिश की थी इन दिस वीडियो विच इज पार्ट टू वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लेव डायनेस्टी इन विच विल लुक एट सच रूलरस कुतुबुद्दीन ऐबक इलतुतमिश रजिया बलबन दी मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। इस पार्ट टू ये जो इस वीडियो का ये जो पार्ट टू वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसमें हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग कुतुबुद्दीन अइबक इलतुतमिश रजिया बलवन इन सब राजाओं के बारे में बात करेंगे इनके साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे जो अगला वीडियो आएगा पार्ट थ्री उसमें हम लोग खिलजीस के बारे में बात करेंगे पार्ट फोर में हम लोग तुगलक्स के बारे में बात करेंगे और पार्ट फाइव में सैयद और लोधीस के बारे में बात करेंगे आप में से जो लोग ये जो पहली बार इस वीडियो को अभी देख रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेनि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी कुछ टाइम के लिए ये इंस्टाग्राम और फेसबुक डीएक्टिवेटेड है कुछ टाइम के बाद मैं इसको चालू कर दूंगा सो आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे अपने पेरेंट्स और देश का नाम रोशन करेंगे आई होप यू गई विल स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स एंड दी एंटायर नेशन प्राउड

एज अ स्लेव डायनेस्टी इसको हम स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं वो इसलिए बिकॉज दिस दिस डेली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही वॉज अ स्लेव वो स्वयं एक स्लेव थे इसी कारण से जब एक स्लेव एक राजा बन जाता है तो ये जो इनकी डायनेस्टी है उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं

इसमें पहले 1206 से 1211 तक फ्रॉम 1206 टू 1211 वी हैड दी कुतुबी डायनेस्टी विच वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर दैट वी हैड द इल्बारी डायनेस्टी विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी विच वॉज फाउंडेड बाई इलतुत एंड देन वी हैड दल बारी डायनेस्टी विच वॉज फाउंडेड बाई बलबन नाउ वाई कुतुबी डायनेस्टी बिकॉज इट वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन श बिलोंगड टू अ ट्राइब ये कबीले को बिलोंग करते थे जो कबीला था इलबारी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सो दैट इज वाई बिकॉज इल्तुतमिश बिलोंग टू दिल्बारी ट्राइब वी आर कॉलिंग दिस हैजबारी डायनेस्टी इन बल्बन ऑल्सो वॉज बिलोंगिंग टू दिल्ल ट्राइब अब ये पेज आपको समझ में आ गया होगा So, यहां पर मैंने जैसे बात की कि स्लेव डायनेस्टी में हम सबसे पहले कुतुबी डायनेस्टी की बात करेंगे फिर इल्वारी पे आएंगे तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन कुतु ऐबक की बात करते हैं सो वाई वी आर कॉलिंग स्लेव डायनेस्टी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ muhammad ghori who made him the governor of india remember guys we had already learned in the previous videos that muhammad ghori made raids into our country he was plundering the wealth of our country that time when he returned back from india he deputed kutubuddin aibak as the governor to take care of india and when muhammad ghori died in 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस 1206 में जब मोहम्मद गोरी का इंतकाल हो जाता है उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं और दिल्ली से अपने आप को अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं अब इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर थे वो इंद्रप्रस्थ में थे दिल्ली के पास है एंड नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू गाइज मस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर इज इवन वेन मोहम्मद गोरी वॉज अलाइव जब मोहम्मद गोरी जिंदा थे तब भी पूरे नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ने अपनी एक मजबूत सेना खड़ी कर ली थी तो स्वाभाविक सी बात है जब मोहम्मद गोरी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद तो वो वैसे ही ताकतवर थे सो इवन वेन मोहम्मद गोरी वॉज अलाइव कुतुबुद्दीन ऐबक हैज रेज स्ट्रांग आर्मी इन दी नॉर्थ इंडिया सो इट वॉज क्वाइट प्रोमिनेंट वेन मोहम्मद गोरी डाइड

कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी इसके ये बाद में कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा इसका समापन इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था मगर इनकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अब ये क्यों बनाया गया था ये एक फेमस सूफी सेंथ की याद में बनाया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था अब अचानक ही 1210 में हॉर्स पोलो जो एक खेल है घोड़े पर बैठकर जो एक पोलो की तरह खेलने वाला चौगन खेल जिसको कहते हैं वो खेलते हुए अचानक इनकी मौत हो गई थी उसके बाद इनके बेटे आराम बख्श जो थे उन्होंने इस साम्राज्य पर गद्दी पर विराजमान हुए सो आफ्टर हिज डेथ आराम बख्श टुक टुक ओवर हिज एंपायर बट ही वाज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश आफ्टर 8 मंथ्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 मंथ्स

अपनी बेटी से इल्तुतमिश की शादी करवा दी थी यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि कुतुबुद्दीन के स्लेव थे इल्तुतमिश जिनसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको इकतादर अपॉइंट कर दिया था ग्वालियर का वट इज दीनिंग ऑफ एक दादर एक दादर इज अफ गैंड छोटी जगह वहां का गवर्नर इनको अपॉइंट कर दिया गया था लेटर ऑन डिफीटेडीम सुल्तान आराम बख्श को हरा कर बारह सौ ग्यारह में ये स्वयं सुल्तान बन जाते हैं और ये लाहौर से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं अब इनकी शुरुआती दस साल में इन्होंने क्या किया सबसे पहले तो स्वाभाविक सी बात है कि खुद एक ये स्लेव थे तो ये अपने राइवल से लड़ रहे थे अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे थ्रोन इन डेली नाउ इन मीन टाइम इसी दौरान चंगेज खान जो मंगोल के लीडर या राजा थे ही स्टार्टेड इन सेंट्रल इंडिया now this entire this thing is not very important to know but what is important for you to understand is the chenges khan or temujin who invaded central asia he returned back without entering india so this was a good thing or fortunately a good thing for iltutmish that chenges khan did not enter india otherwise it would have been difficult for iltutmish to keep his empire intact why

उसके बाद इन्होंने सिंध को और मुल्तान को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर एक्सपैंड करके जोड़ दिया बाद में जो छोटे छोटे राजपूत के रिवॉल्ट हो रहे थे उस समय भी उन्होंने उस सब को भी सप्रेस किया उसको भी दबाया और रथमपुर जलोर अजमेर ग्वालियर इन सारे एरिया को उन्होंने अपने अपने एरिया में एडप कर लिया या अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया उसके बाद उन्होंने मालवा के परमार से भी लड़ने की कोशिश की मालवा जो हमारे मध्य प्रदेश का रीजन है मगर वो सक्सेसफुल नहीं थे नाउ ही वोज अ ग्रेट स्टेट्समैन वो एक बहुत ही शानदार स्टेट्समैन थे यहाँ तक कि अबासित खलीफत से भी उनको इन 1229 हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन रिसीव्ड लेटर ऑफ रिकोगशन उनको एक उनको एक पत्र मिलता है जिसमें उनको कह दिया जाता है कि आप ही एक लीगल रूलर है इंडिया के जो कि एक बहुत बड़ी बात थी ऑल राइट right. अब बाद में क्या होता है इन्होंने अपनी बेटी रजिया को अपना सक्सेसर नियुक्त कर दिया अब जनरली ये बहुत ही एक अनोखी बात थी कि क्योंकि उस समय क्या था ज्यादातर मेल ही लड़के ही आगे राजा बनते थे लेकिन इन्होंने अपनी बेटी रजिया को सक्सेसर नियुक्त कर दिया था कि मेरे बाद रजिया ही सक्सेसर बनेगी मगर यह बात स्वाभाविक सी है कि ये कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी वो हम आगे देखेंगे जब रजिया अपने साम्राज्य को संभालने की कोशिश करेगी तो उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अब ये जो इलतुतमिश्ते हैं इन्होंने भी कई सूफी सेंट्स को पेट्रोनाइज किया और कई स्कॉलर्स को भी पेट्रोनाइज किया ये उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं आप इनको देख सकते हैं दो तीन बार आप देख लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा फॉर योर फिल्म नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कुतुब मीनार का जो

इंट्रोड्यूस द अरेबिक कॉइनेज सिस्टम इन इंडिया मतलब के ऊपर अरेबिक भाषा का प्रयोग शुरू किया गया जो बाद में, India में एक अरेबिकॉइनेज इन इंडिया एंड दिस सिल्वर टाका विच आई विल शो यू गाइज इन सेल्सो रिमेन दॉन मॉडर्न रूपी सो इन मॉडर्न टाइम्स वीज दीज आर ऑल्सो ऑन समर लाइन Of what the Arabic coins which Iltutmish had started. One very, very important thing over here, guys, was he started a new class of ruling elite of powerful military leaders known as 40. So he started a new class known as 40, which powerful military leaders the, to strengthen his army. ऑल राइट सो दिस इज हाउ इज सिल्वर टांका यूज टू लुक लाइक यूज कैन सी दी अरेबिक लैंग्वेज ऑल दो थिंग्स और आजकल के सिक्कों में भी आप देखते होंगे कि एक सर्कल बना रहता है उसके बीच में ऑन दी आउटलाइन यूज विल रीड अबाउट द गवर्नमेंट इन सो ऑन ऑल राइट नाउ लेटस रीड अबाउट रजिया हम रजिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं रजिया जो अलतुतमिश की बेटी थी ये है रजिया ताकि आप इनको uh, मतलब एक इमेजिन हो जाए आपको कि कौन रजिया थी ऑल राइट right. ने अपनी बेटी रजिया को अपना सक्सेसर नियुक्त कर दिया था इल्तुत्मिश दी सक्सेसर। हाउ एवर पीपल इन दी दोबल्स और जो भी उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे दैट इज वाई दाजी ऑफ डेली एंड वजीर इंस्टेड ऑफ मेकिंग रजिया एज दक्सेसर दे पुट रुकनउद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को उस थ्रोन पर राजगद्दी पर बिठा दिया लेटर ऑन व्हेन द गवर्नर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड जब मुल्तान के गवर्नर ने रिवोल्ट किया देन रुकनुद्दीन फिरोज ही वेंट टू मुल्तान टू फाइट जब मुल्तान में एक थोड़ी सी जंग छिड़ गई तो रुकनुद्दीन फिरोज वहां पर लड़ने चले गए उसी मौके का फायदा उठाकर व्हेन रुकनुद्दीन फिरोज वेंट टू मुल्तान

हॉर्सेस भी अपॉइंट कर देती हैं जो समय एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री पोजीशन थी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर वाज शी डिस्कार्डेड दी फीमेल अप्रैल उन्होंने महिलाओं जैसे उस समय के वस्त्र पहनने बंद कर दिए और उन्होंने मेल कपड़े यानी कि उस समय जो राजा वस्त्र पहना करते थे वो पहनने शुरू कर दिए आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा एट द सेम टाइम कोर्ट वो अपने कोर्ट को चलाती थी अपने चेहरे को अनवील करके दिखाते हुए यहां तक कि वो हंटिंग पर भी जाती थी शिकार पर भी जाती थी और अपनी आर्मी का नेतृत्व भी करती थी शीवन यूज टू लेड हर आर्मी नाउल राइट नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर वॉज

अल्तुनिया जो भटिंडा के गवर्नर थे उन्होंने रजिया के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया सो शी वेंट इन पर्सन टू सप्रेस दी रिवोल्ट वो स्वयं जाती है भटिंडा शी हर्सल वेंट टू सप्रेस दी गवर्नर ऑफ भटिंडा टू टू फाइट शी हर्सल वेंट टू सप्रेस दी रिवोल्ट बट व्हाट हैपन वाज़ अल्तुनिया ही किल्ड यकूत उन्होंने यकूत का को मार दिया और रजिया को जेल में कैद कर दिया शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये रज़िया फिल्म भी देखी होगी रज़िया सुल्तान मैंने नहीं देखी तो अब आप लोग उस फिल्म से ना कंपेयर करें और फिर मुझे बोलें कि फिल्म में तो ऐसा दिखाया था आपने तो ऐसा पढ़ाया मैं आपको तमिलनाडु टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कुछ फिल्मों में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक कोइंसिडेंस पर थोड़ा सा एक उसको फिल्मी करेक्टर देने के लिए भी उसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो यूज़ योर लॉजिक्स वाइल्ड वॉचिंग सच मूवीज है ना तो उन्होंने रजिया को जेल में बंद कर दिया मगर बाद में क्या होता है रजिया अलतुनिया को का दिल जीत लेती हैं और उनसे शादी करने के बाद वापस दिल्ली की ओर लौटती हैं मगर उस समय उनको हरा दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है तो अब जब रजिया हार जाती हैं तो मैंने आपको बताया था अलतुतमिश के समय में एक पावरफुल मिलिट्री फोर्टी का को बनाया गया था तो उनमें से ही बहराम और मसूद ये अगले छह साल तक दिल्ली पर राज करने लग जाते हैं और सुल्तान और नोबल्स कौन? हैं, हैं। कौन अब नई राजगद्दी लेगा तो इसी बीच में बलबन अब बलबन कौन थे ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा बलबन जो थे इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे यानी कि रजिया के छोटे भाई उनको वहां पर राजगद्दी के रूप में सौंप दिया जाता है आई हेड ऑलरेडी शोन यू नसीरुद्दीन महमूद जो स्टार्टिंग में फोटोज दिखाई थी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम घियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो ये है घियासुद्दीन बलबन की तस्वीर अब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि घियासुद्दीन बलबन अचानक से कैसे राजा बन जाते हैं तो एक नायब या डेप्यूटी के रूप में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के वहाँ पर काम कर रहे थे और इनका असली नाम इनको उलूग खान के नाम से भी जाना जाता था अब इन्होंने क्या किया था घियासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान से नसीरुद्दीन महमूद से करवा दी थी बलबन बहुत ही समझदार थे और इनको पूरे प्रशासन की जानकारी थी बलबन वॉज वेरी पावरफुल एंड नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बट लेटर ऑन वॉट नसीरुद्दीन महमूद डाइड बलबन एसेंडेड द थ्रोन बलबन क्योंकि उनको सबसे ज्यादा साम्राज्य की जानकारी थी सबसे ज्यादा समझदार थे नसीरुद्दीन महमूद के बाद वो इस तख्त पर बैठ जाते हैं और बड़ी ही चतुराई और समझदारी के साथ जो भी उनके रिश्ते में आता है वो सबको निपटाते जाते हैं कि करके उन सबको हराते जाते हैं नाउ ही न्यू दैट द प्रॉब्लम वॉज फ्रॉम दी नोबल्स फ्रॉम दी फोर्टी आपको याद होगा मैंने अभी दो मिनट पहले बताया था कि सुल्तान और नोबल्स के बीच में लड़ाई लड़ती रहती चलती रहती थी कि कौन अगला राजा बनेगा तो इनको मालूम था बलबन को मालूम था कि अगर मुझे लंबे समय तक राजा बनना है तो मुझे इन नोबल्स को रस्ते से हटाना होगा दैट इज वाई वन बाय वन ही स्टार्टेड

जो गवर्नर थे मलिक उसको उनको आ, उनको आ, सर कलम करवा दिया क्योंकि वो अपने नौकरों के साथ बहुत ही क्रुएलिटी या बदसलूकी के साथ व्यवहार करते थे इसी तरह से जो अवध के गवर्नर थे हैबत खान उन्होंने एक इंसान को मार दिया था क्योंकि वो उसने शराब हुई थी तो उनको भी इन्होंने सजा दी और शेर खान जिसे उनको डर था कि कहीं ये मेरी जगह न ले लें तो वो भटिंडा के जो गवर्नर शेर खान थे उसको उन्होंने जहर देकर चालाकी से मार दिया अब बहुत ही समझदार राजा थे बलबन उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जगह इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग हिज किंगडम ही पेड मोर अटेंशन टर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर इनको ही लगता था अगर लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तो मुझे ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी मेरा साम्राज्य शांति से चलेगा इसीलिए इन्होंने एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाई ही मेड अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट दिवाने अर्ज एंड री ऑर्गेनाइज द आर्मी एंड इंश्योर्ड प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर law and order issues by the ऑफ who used to do lot of robberies so he strict took strict actions against them and whosoever used to गेट इन सच ऑफ रॉबरीज जो भी इस तरह के धीरे धीरे दे दे थे थे और धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, काफी ठीक हो गई बंगाल के गवर्नर भी बलबन के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन तुग्रीकान बट सप्रेस्ड एंड ही कलम कर दिया जाता है मंगोल फिर से आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में रिमेंबर चंगेज खान लॉन्ग बैक वी डिस्कस्ड बलबन अपने बेटे प्रिंस महमूद को भेजते हैं मगर प्रिंस महमूद का कत्ल हो जाता है उस बैटल में एंड इट वाज अ मोरल ब्लू टू दी सुल्तान सुल्तान बलबन डाइड इन 1287 एंड ही वाज ऑब्वियसली मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत उन्होंने अपनी पावर को बहुत इंटैक्ट uh, करके रखा बट ही वाज नॉट एबल टू फ्रॉम दी मोंगोल इन विजन एज यू गाइस दैट हिस्सन अगेंस्ट मोंगोल्स अब जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उनके पोते क्योंकि उनके बेटे की तो मृत्यु हो गई थी प्रिंस महमूद की बिकॉज दी सन ऑफ बलबन प्रिंस महमूद डाइड सो आफ्टर बलबन डाइड हिज ग्रैंड सन किया ही वॉज मेड दुल्तान ऑफ डेली बट he was not a very good ruler and after 4 years of his rule jalaluddin khilji he captured the throne of delhi in 1290 or next video mein jab hum baat karenge tab hum dekhenge ki khilji ka samrajya kaisa tha so i hope this video was helpful to all of you aapko इस video में दिल्ली सल्तनत की slave dynasty का एक idea लगा होगा समझ में आया होगा आप इसको ज़रूर तमिलनाडु टेक्स्ट बुक से एक बार revise करें Video अगर आपको uh, पढ़ने में कोई दिक्क़त आई उसको दोबारा भी देख सकते हैं एज अ रिविजन इन दी नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट खिलजीस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो भी आपके दोस्त कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट हम बहुत जल्दी जल्दी अब वीडियोज़ अपलोड करेंगे बहुत गैप हो चुका है अब बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करेंगे फिजिकल जोग्राफी और मेडिवल हिस्ट्री के इन वीडियो को कम्प्लीट करने के बाद हम सी सैट को टारगेट करेंगे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर बाकी सब्जेक्ट्स पर हम जाएंगे Thank you everybody for watching. God bless you.